हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम कर रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, और अभी रिसेंटली एक मैसेज कमेंट आया था, जो मर्जी कह लो आप, उसमें एक बच्चे की शिकायत ये थी कि यहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं होती प्रॉपर तरीके से। तो बिल्कुल सही बात है, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा बच्चों आप सभी के लिए, उसके लिए सॉरी। और कोशिश लेकिन मेरी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस बात की गारंटी भी मैं आपके लेता हूँ कि बेटा आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम तक पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। हाँ, वीडियो ऊपर नीचे हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं बना पा रहा बेटा वीडियो, तो बहुत दिक्कत है। अभी बीच में वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट की, तो वो भी नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बेटा लगी रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम से, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा क्योंकि आपकी वीडियोस प्रॉपर नहीं हो पा रही है। बट कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। और हिंदी मीडियम में बेटा क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, वो चैप्टर था बेटा चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंध। और उसके अंदर हमने जो सीखा था बेटा, वो डेफिनेशन थी व्यवसाय वित्त की, आवश्यकता क्या होती है बेटा, वित्तीय प्रबंध का मीनिंग क्या है, और देन उसके बाद उसका महत्व क्या होता है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ये भी हमने सीखे थे इसके अंदर। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप चाहो तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है बेटा इस वीडियो का, वो है बेटा वित्त संबंधी निर्णय। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, वित्त संबंधी निर्णय। और अगर हम इसकी बात करें तो टोटल आपका बेटा इसमें 3 निर्णय आपको लेने होते हैं। पहला जो है बेटा, कुल आवश्यक कोषों का अनुमान लगाना, कि मतलब कोषों का मतलब होता है कितना आपको पैसा चाहिए, कितना आपको फंड चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। और सेकंड पॉइंट है बेटा, वित्त के विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको ये देखना है कि आपको बिजनेस के लिए कुल कितना पैसा चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि ये पैसा आपको किन किन सोर्सेस से, किन किन स्रोतों से आपको मिलेगा। वो आप इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, राइट, वेरियस बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं पैसा लेने के। थर्ड पॉइंट है कि बेटा ये निर्णय लेना कि वित्त के किस स्रोत का कितना वित्त लेना है। अब सबसे पहला काम आपने ये चेक किया कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है पैसों की। सेकंड, फिर आपने देखा कि कितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। और थर्ड ये होता है कि कौन से स्रोत से कितना आपको पोर्शन लेना है पैसे का, ठीक है। आप सारा पैसा इक्विटी शेयर इश्यू करके नहीं ले सकते, और ना ही आप सारा पैसा ले सकते हो लोन लेकर। तो ऐसे में हमें किस तरीके से ये देखना है कि किस किस स्रोत से आपको कितना कितना पैसा लेना होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वित्त संबंधी निर्णय एक अलग टॉपिक है और वित्तीय निर्णय ये अलग टॉपिक है। तो वित्त संबंधी निर्णय अगर पूछे जाए तो ये 3 टॉपिक आपको बोलने हैं, जिसमें टोटल कितना पैसा चाहिए, कितने सोर्सेस आपके पास, और किस किस सोर्स से कितना कितना पैसा आपको लेना है, ये हम डिसाइड करते हैं वित्त संबंधी निर्णय में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वित्तीय निर्णय की, तो बेटा वित्तीय निर्णय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे कि मेनली 3 यहाँ पे भी डिसीजन होते हैं। तो पहला जो डिसीजन है बेटा वो है आपका वित्त संबंधी निर्णय, फिर निवेश निर्णय और लाभांश निर्णय। तो वित्त संबंधी निर्णय जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, उसके अंदर हम पहले अनुमान लगाते हैं, देन फिर हम ये चेक करते हैं कि भैया कितने सोर्सेस है, और उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस सोर्स से कितना पैसा आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो जाती है बेटा वित्त संबंधी निर्णय में। लेकिन उसके साथ साथ बेटा 2 और निर्णय लेने होते हैं आपको वित्तीय निर्णय में, जिसमें है निवेश और थर्ड है आपका बेटा लाभांश। तो अगर हम बात करें वित्त संबंधी निर्णय की, अच्छा वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा कि वीडियो में वॉइस आती रहती है गाड़ी की, कोई सब्जी बेच रहा है जो भी है, तो बेटा वो आएगी आएगी, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं है इतने अच्छे से। तो जो भी है बेटा यही है सब कुछ, तो अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो भाई उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आगे चल के फ्यूचर में अगर कभी मेरे पास या तो ऐसे कोई टूल हो या बजट अगर बढ़ता है वीडियो बनाने का, तो बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हाईटेक तरीके से वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए, आप सभी के लिए।
ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें बेटा, पहला जो टॉपिक हमारा वो है बेटा वित्त संबंधी निर्णय। ऑलरेडी हम यहाँ पे सीख चुके हैं तीन पॉइंट कि वित्त संबंधी निर्णय में तीन पॉइंट हमें पता कर होने चाहिए। पहला पॉइंट है कितना पैसा चाहिए, दूसरा कौन कौन से सोर्सेज, और तीसरा क्या है बेटा कि किस सोर्स से कितना पैसा आपको लेना है। ठीक है, यही सारी चीजें बेटा इसके अंदर लिखी हुई है, स्क्रीन पे आपको बेटा दिख जाएगी। और इसमें अगर हम आगे पढ़ें तो बेटा लिखा हुआ है कि वित्त व्यवसाय निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक क्या है, कि वित्त संबंधी निर्णय जो आपको लेने होते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। और तो प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या होता है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा चाहिए, किस किस सोर्सेज से हम ले सकते हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा लागत कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा विभिन्न स्रोतों से कोष प्राप्त करने की लागत भिन्न होती है, मितव्ययी स्रोत से ही कोष प्राप्त करने चाहिए। देखो लिखा बहुत कम है, भले आप चाहो तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो दो लाइनों में। ध्यान रखना कि दो जो लाइन होती है, दो सेंटेंसेस में कह सकता हूँ, वो दो सेंटेंस आपके ढाई लाइन में तीन लाइन में चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो बेटा ऐसे में एक तो आपके पास टाइम नहीं रहता पूरा पेपर करने में, और ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ये बात हमेशा ध्यान रखो। आपको एक्सप्लेनेशन, आपने टॉपिक लिखा, पॉइंट लिखा, अब हेडिंग लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन अगर करना है तो बेटा दो लाइन, ज्यादा से ज्यादा तीन लाइन कर लो यार, इससे ज्यादा मत करो। वैसे तीन लाइन भी ज्यादा हो गई है, पर इससे ज्यादा अगर करोगे तो बेटा आपके पास टाइम नहीं होगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का। और दूसरी बात ये कि जो दो या तीन लाइन जो आप लिख रहे हो तो बेटा पूरे की पॉइंट लिखो वहां पे, जो उसका पूरा निचोड़ उसमें आ जाए। अगर आप उसको स्टोरी बना के अगर आप लिखे जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, अपना आधा पेज भर दिया, बेटा कोई बेनिफिट नहीं है। टीचर को उसमें मेन आंसर चाहिए, लेकिन आपका मेन आंसर होता नहीं, आप स्टोरी बना देते हो। तो जैसे लागत में पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको ये पता करना है कि भाई वित्त संबंधी अगर आपको निर्णय लेने हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि भैया पैसा आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा लागत। आपको ये चेक करना है कि भैया कौन से स्रोत, अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी स्रोत है वित्त प्राप्त करने के, उन सभी की लागत अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है, अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो शेयर इश्यू करने से आपको डिविडेंड देना पड़ेगा बाद में। अब आप ये कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप डिविडेंड दोगे वो महंगा पड़ेगा या आप इंटरेस्ट दोगे वो महंगा पड़ेगा। अब लोन भी आप अलग अलग ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो, डिबेंचर इश्यू भी कर सकते हो, पब्लिक से भी ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें लागत की आ जाती है कि लागत सबसे मेन फैक्टर है। अब यहाँ पे जो मेन आंसर है वो ये है कि आपको उस स्रोत से पैसा लेना है जिसकी लागत बहुत कम हो, या जिसको हम बोलते हैं मितव्ययी तरीके से। मितव्ययी का मतलब होता है कम लागत में बेटा, कम से कम खर्चे में। सेकंड पॉइंट है बेटा जोखिम। जोखिम में बेटा लिखा हुआ है विभिन्न स्रोतों में संबंधित जोखिम भिन्न होते हैं, जितने भी स्रोत हैं, जितने भी टाइप के स्रोत है, सभी में बेटा जोखिम अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर आप लोन लेते हो तो उसमें जोखिम बस ये है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपका काम चले या ना चले। लेकिन अगर आप शेयर इश्यू कर देते हो तो भैया आपने लाइफ टाइम के लिए उसको मालिक बना दिया बिजनेस का, तो लोन तो आप एक साल, दो साल, पांच साल में आप पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार मालिक बना दिया तो अब उसका हिस्सा हो जाएगा बिजनेस के अंदर। तो सभी के जो जोखिम है बेटा वो अलग अलग है। आगे लिखा है बेटा उधार लिए गए कोष में स्वामित्व कोष की अधिक जोखिम होता है। अगर आप उधार ले लेते हो बैंक से या पब्लिक से, उसमें ज्यादा जोखिम आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसमें ज्यादा पेमेंट आपको करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, चाहे बिजनेस चले ना चले। लेकिन अगर हम बात करें स्वामित्व कोष मतलब शेयर कैपिटल, तो वहां पे जोखिम नहीं होता इतना। जोखिम जोखिम का मतलब ये नहीं है कि बेटा बिल्कुल नहीं होता, जोखिम का मतलब बस ये है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि आपको पैसा देना है। अब वो मालिक बन चुके हैं, बिजनेस डूबेगा तो वो भी डूबेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेंगे। लेकिन आपको जोखिम वहां पे तब हो जाता है कि जब आपको लोन लेना है लिमिटेड टाइम के लिए, वो आपने क्या कर दिया, उसके लिए वो पैसा लेने के लिए आपने शेयर इश्यू कर दिए। अब पैसों की जरूरत थी एक महीने की, दो महीने की, लेकिन आप शेयर इश्यू कर चुके हो, तो ऐसे में वो मालिक बन गए लाइफ टाइम के लिए। तो वहां पे जोखिम आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्या कम पैसों के चक्कर में, ये एक बार बताओ, अगर आपको 10,000 या 20,000 रुपए कुछ चाहिए हो बेटा, तो इसके लिए आप ये थोड़ी करोगे कि आपने अपना घर किसी को बेच दिया,
या आप पार्टनरशिप में लेकर आ गए, या अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो और ऐसे में आपको अमाउंट चाहिए बहुत ही बहुत कम टाइम के लिए, और आपको पता है कि भैया 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं ये पेमेंट कर दूंगा उसको वापस, इसके लिए आप अपने किसी दोस्त को पार्टनरशिप में ले आओगे अपने बिजनेस में, तो वो आपका नुकसान है। थर्ड पॉइंट है बेटा नियंत्रण। आपको बेटा अगर स्रोतों से पैसा लेना है तो आपको ये भी चेक करना होगा कि आप नियंत्रण ज्यादा लोगों के हाथ में देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, आप शेयर इश्यू करो, आप पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मालिक बनाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल बिजनेस का बहुत कम लोगों के हाथ में रहे, तो बेटा इसके लिए आप डेप्ट लोगे, आप लोन ले लोगे। लोन लेने से आपको बेनिफिट क्या हो जाता है कि वो जिससे भी आपने लोन लिया बेटा वो इंटरफेयर नहीं करता आपके बिजनेस में, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है। ठीक है, उसको बस अपने इंटरेस्ट से लेना देना है और प्लस उसको लेना देना है अपने लोन अमाउंट से, बस वो उसको मिल जाए, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने शेयर इश्यू कर दिए तो भाई वो कंट्रोल करना शुरू करेगा बिजनेस को। ठीक है, एक्सेप्शन अलग अलग है, यहाँ पे बस मोटा मोटी समझ जाओ कि भाई ऐसे ऐसी चीजें होती है। ज्यादा डीपली मत जाना बेटा, ज्यादा डीपली जाओगे तो बहुत सारी बातें निकलती चली जाएंगी, फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी, फिर ये टॉपिक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। अब बेटा देखो, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बेटा बहुत सारी बातें निकलेगी फिर। ठीक है, तो जितना समझाया वो उसको मोटा मोटी समझ जाओ कि हाँ भाई ऐसे कुछ चीजें होती है, आपको बस एग्जाम में आंसर लिखना है वहां तक समझने के लिए। ठीक है, आगे भी पढ़ोगे भैया, ट्वेल्थ के बाद ये नहीं कि आप घर बैठ जाओगे, उसके बाद ही पढ़ोगे तो बेटा वहां पे बुक्स में आपको बहुत एक्सप्लेन कर रखा होगा अच्छे से। रियलिटी और बुक्स में जो लिखा हुआ है थोड़ा डिफरेंट होता है वो हमेशा से। ठीक है, तो रियलिटी बेटा थोड़ी अलग रहेगी। तो आपका अगर कोई ज्यादा दिमाग चल रहा है कि प्रैक्टिकली दिमाग बहुत ज्यादा चलता है तो बेटा उसको थोड़ा सा रोक के रखो अभी। फोर्थ पॉइंट है बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, हमारे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, इसके 7 पॉइंट है लेकिन मैं सिर्फ 6 पॉइंट कराऊंगा। तो फोर्थ पॉइंट है बेटा रोकड़ प्रवाह स्थिति। रोकड़ प्रवाह का मतलब कैश फ्लो पोजीशन क्या है। यदि कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी होती है तो वह आसानी से ऋण के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है। कैश फ्लो का मतलब यह है कि भैया आपका पैसा आ रहा है जा रहा है। अगर आपका पैसा अगर सफिशियंट लेवल पे अगर आपके पास पैसा आता है, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो आप लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लोन लेने से क्या होगा, इंटरेस्ट ही तो पे करना है, आप कर दोगे आराम से, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है उसका। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप सेल आउट करते हो, उधार में सेल कर देते हो, कैश आपके पास आ नहीं रहा, और ऐसे में अगर आपने लोन लिया तो आप इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैश फ्लो अगर अच्छा है तो आप लोन ले सकते हो, अगर कैश अगर आपका अच्छा नहीं है तो बेटा आप शेयर इश्यू कर दो, काम चल जाएगा। अच्छा बेटा, फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा, अंदर लिखा हुआ है एक बार देख लेना बेटा, मैं आपको दे दूंगा। मैंने पहले भी कहा है बेटा, नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सएप करो, आपको 20 रुपीज पर चैप्टर बेटा नोट्स है आपके, कोई बड़े अमाउंट नहीं है बेटा, चुटकी बजाओ खत्म हो जाते बेटा आपके 20 रुपीज, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। फिफ्थ पॉइंट है बेटा निवेश पर आय। मैं आपको बेटा टॉपिक हेडिंग्स आपको दे दूंगा, ठीक है, वो देख लेना बेटा सारी चीजें। नोट्स के लिए अगेन कहूंगा बेटा, इसके अंदर मैं सारी चीजें लिखी हुई, एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए हो उतना ही लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, चाहिए हो बेटा व्हाट्सएप कर देना। निवेश पर आय बेटा, निवेश पर आय का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं से पैसा लेकर आते हो और इन्वेस्ट कर रहे हो भाई बिजनेस में, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ला कहां से रहे हो। यहां पे आपको ये चीज देखना है कि निवेश पर आय कितनी होनी है। अब एग्जाम्पल के नाम पे मैं आपको देता हूँ कि मान के चलो कि अगर एफडी अगर आप करा देते हो, ठीक है, और एफडी अगर होती है, नहीं एफडी भी छोड़ो यार, एफडी थोड़ा मतलब कि इन प्रैक्टिकल सा हो जाएगा आपको। अगर सर ये क्या एग्जाम्पल दे दिया, नॉर्मल से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दोस्त आपसे पैसा मांगने के लिए आता है, वो कहता है भाई मुझे पैसे दे दे 100 रुपए और मुझसे एक हफ्ते बाद मुझसे ले लो 200 रुपए। ठीक है, क्या उसने कहा कि एक हफ्ते बाद 200 रुपए ले लो। अब आपके पास लेकिन अभी पैसे नहीं है 100 रुपए, लेट सपोज आपके पास नहीं है, आपने क्या दिमाग लगाया, आप गए अपने किसी और दोस्त के पास या आप गए किसी फैमिली मेंबर के पास, अपने किसी कजिन के पास, आपने कहा कि भाई मुझे 100 रुपए दे दे और मैं एक हफ्ते बाद तेरे को दे दूंगा 150 रुपए। अब बेटा यहाँ पे देखो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। इसे बोलते हैं बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम अभी यहाँ पे हमने लिखा है निवेश पर आय। निवेश पर बेटा आय कितनी है, अगर आपने अपने कजन से अगर आपने लिए 100 रुपए और आपने दिए उसको 150 रुपए, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, 50 रुपए की।
लेकिन जब आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने किसी दूसरे दोस्त को आपने उधार दिया, तो बेटा वहां से आपकी इनकम कितनी हुई, 200 रुपए की। तो अल्टीमेटली आपने जब लोन लिया था अपने कजन से तो 50 रुपए की कॉस्ट पड़ी, लेकिन जब इन्वेस्ट किया अपने दोस्त को जब दिया तो वहां से आपको रिटर्न मिला 100 रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, मतलब कि 200 रुपए आपको मिले। तो 50 रुपए तो आपकी कॉस्ट हो गई जो आपने अपने कजन को दे दी, बाकी 50 रुपए जो बचा वो आपका प्योर प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अगर आप कहीं से भी पैसा लेके आते हो, किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्सेस से आप पैसा अगर लेके आते हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और वो पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में तो वहां से रिटर्न कितना आ रहा है बच्चे। अगर वो रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा है तो बेनिफिट है, ठीक है, आप उस सोर्स से ले लो पैसा। लेकिन अगर रिटर्न मिल रहा है कम और उसकी कॉस्ट आपके ऊपर पड़ रही है बेटा बहुत ज्यादा, तो वो डिसीजन आपका खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा परिवर्तन लागतें एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये वे लागतें होती है जो अंशों या ऋणों या ऋण पत्रों को, अंश मतलब शेयर होता है बेटा, ऋण या ऋण पत्र, ऋण लोन हो गया, ऋण पत्र हो गया, डिबेंचर्स को निर्गमित किए जाने पर आती है। निर्गमित का मतलब क्या है, इश्यू करने पर। अगर आप बेटा, मुझे लगता नहीं कि बेटा ये सारा टॉपिक हो पाएगा पहली बात, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया वीडियो का, और बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसकी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो 3 वीडियो बन जाएगी बेटा इस चीज की। कोशिश मेरी यही रहती है बेटा कि 20 मिनट के अंदर अंदर अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी, 30 मिनट, आधे घंटे की, 1 घंटे की बन गई थी। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम की बने, ज्यादा बेटर है, आपके लिए भी सहूलियत हो जाती है। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेटा परिवर्तन लागत। इसका मतलब होता है कि जब आप पैसा लेते हो किसी भी सोर्सेस से तो उसकी कॉस्ट क्या लगती है आपको, मतलब लेने के टाइम पर, ये नहीं कि उसके ऊपर आपको ओवर द पीरियड इंटरेस्ट देना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप पैसा लेने जाओगे तो उस टाइम पे, उस दरमियान कितना आपकी कॉस्ट आएगी। जैसे अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो भाई शेयर मार्केट में पैसा आपको देना होता है, प्रोस्पेक्टस आप प्रिंट करवाते हो, बहुत सारे बेटा खर्चे उसमें हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स को आप हायर करते हो तो ऑब्वियसली बात है उनको कमीशन देना पड़ेगा आपको। लोन अगर लेने जाते हो तो बैंक के पास आप जाओगे, आने जाने का खर्चा हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जो भी प्रोसेस है, आई डोंट नो, मैं डीपली नहीं जाऊंगा, जो भी प्रोसेस है बेटा, ड्यूरिंग दिस जो प्रोसेस है बेटा, उसमें जो भी खर्चा आएगा उसको बोलते हैं परिवर्तन लागत, ठीक है। एग्जाम्पल के नाम पे मान के चलो कि अगर मैं अपने दोस्त के घर पे गया पैसे लेने के लिए 1 लाख रुपए, लेट सपोज, तो आने जाने का जो भी खर्चा हुआ उसको बोलेंगे बेटा परिवर्तन लागत, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा हुआ, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये खर्चे बेटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई शेयर इश्यू करना इतना बच्चों वाला खेल नहीं है, डिबेंचर इश्यू करना बच्चों वाला खेल नहीं है, प्लस अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसके भी बहुत सारे बेटा प्रोसेस होते हैं जहां पे आपका पैसा लग जाता है, कॉस्ट लगती है आपकी। गूगल करोगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि शेयर इश्यू करते वक्त कौन कौन सी कॉस्ट होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन लागत, आई थिंक फ्लोटिंग कॉस्ट होती है शायद वो इंग्लिश में, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको बेटा ये भी देखना है कि किस सोर्स से पैसा लेते वक्त आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो जिसमें कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली बात है आप उसी सोर्स से पैसा लोगे, जिसकी कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी उससे आप नहीं लोगे, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये टॉपिक था बेटा, अब टाइम हो चुका है अब, क्योंकि यार देखो मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाना चाहता बेटा, तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है बेटा वो पॉइंट था बेटा आपका वित्त संबंधी निर्णय। 2 वीडियो और बनेगी बेटा, जिसमें पहले इसके बाद जो वीडियो आएगी बेटा वो आएगी निवेश निर्णय, उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद जो आएगी बेटा वो आएगी लाभांश निर्णय। शॉर्टकट में एक लाइन में बेटा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक वित्तीय प्रबंधक जो होता है, जो पैसों का लेन देन करता है, जो मैनेज करता है पैसों को बिजनेस के अंदर, वो 3 तरीके से डिसीजन लेगा, पैसा कहाँ से आना है, फिर देखेगा कि उनको इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, और वहां से जो रिटर्न मिलेगा जिसको हम लाभांश कहते हैं, वहां से जो रिटर्न मिला बिजनेस को, वो जो रिटर्न का पैसा है वो किस तरह से यूटिलाइज होगा, कहाँ यूज करेंगे, तो ये सारे डिसीजन लेता है वित्तीय प्रबंधक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नोट्स चाहिए बेटा मुझे व्हाट्सअप करो, मेरा नंबर है 9315445501, पर चैप्टर बेटा 20 रुपीज के आपके नोट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे आप पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, आफ्टर जैसे आप पेमेंट कर दोगे बेटा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो,
और फिर मैं आपको नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे बेटा निवेश निर्णय। और याद रखना बेटा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इसके। तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो, और डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, और मेरा ये टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन कराना, ताकि उन सभी बच्चों को मैं पढ़ा सकूं। और ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस बार ऑनलाइन मैं आया हूं आप सभी को पढ़ाने के लिए। और अच्छा लगेगा कि अगर आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे बेटा, सारी चीजें होंगी, नोट्स सारी चीज बेटा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होगा, टेस्ट पेपर भी होंगे, सारी चीजें होगी, उसकी टेंशन मत लो, बट टाइम दो मुझे और ये सारी चीज आपके साथ होगी, ठीक है। डोंट वरी बेटा, कोई भी डाउट हो बेझिझक बेटा आप कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, मैं पर्सनली आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। तो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ।